हरियाणा हाईकोर्ट प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोर्ट ने फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार में शामिल पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि इन सभी कर्मियों पर घूस लेने का आरोप था। वहीं बीते 15 नवंबर को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस और उनके लेन देन को कैमरे में कैद कर प्रसारित कर दिया, जिसे देश भर के लोगों ने देखा। वहीं न्यायपालिका में रिश्वतखोरी को उजागर करने के बाद यह मामला चर्चित हुआ। जैसे ही इसका प्रसारण हुआ, वैसे ही न्यायपालिका में खलबली मच गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज में साफ देखा गया कि किस तरीके से पटना सिविल कोर्ट के कर्मियों को खुलेआम घूस मांगते दिख रहे हैं। इसके बाद सभी 16 आरोपी कोर्ट कर्मियों को पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए कर्मियों में 8 पेशकार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशकार और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन देन का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने संज्ञान लेते हुए सभी कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबित कर्मियों में पेशकार कुमार नगेंद्र, पेशकार संजय शंकर, पेशकार रोमेंद्र कुमार, पेशकार संतोष तिवारी, पेशकार आशीष दीक्षित, पेशकार प्रदीप कुमार, पेशकार सुनील कुमार यादव, पेशकार विमोहन विजय, क्लर्क मुकेश कुमार, टाइपिस्ट सुबोध कुमार और कई अन्य लोग शामिल हैं। न्यूज़ डेस्क, निशा न्यूज़, पटना।